हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योत्साचार्य डॉक्टर विन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनुराशि के जातकों के बारे में कि जो धनुराशि के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज वो क्या करेंगे, किस फील्ड में उनको सफलता मिलेगी, माली हालत कैसी रहेगी, संतान सुख कैसे मिलेगा, व्यापार किस फील्ड में करेंगे, राजनीति का क्षेत्र क्या रहेगा, निर्माण से लाभ मिलेगा, कृषि योग्य भूमि से लाभ मिलेगा या आयात निर्यात से लाभ मिलेगा, बच्चों का सुख है या नहीं, पत्नी से क्या भूमिका रहेगी, सारी बात आज हम आपको बताएंगे। आज आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, माली हालत कैसी रहेगी, सामाजिक परिस्थिति कैसी रहेगी और आप क्या करें कि आप आगे बढ़ें, इस पर भी बात करेंगे। आपको सुझाव भी देंगे किस राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, उस पर भी आज हम आपसे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आज आपको धन, रुका हुआ धन मिलेगा या कोई नए तरह के कार्य से धन मिलेगा या आपका रुका हुआ धन मिलेगा या माता के सहयोग से आज आपकी प्रगति होने की संभावना दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है आज आपको ये भी बताएंगे, उपाय क्या करना है ये भी बताएंगे, आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनुराशि के जातकों के बारे में कि जो धनुराशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो धनुराशि के जातक हैं उनके लिए बहुत सारे नए तरह के कार्य मिल सकते हैं, जो आपकी प्रगति होगी, माली हालत अच्छी होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वह कार्य रूप में परिणत होते हुए दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप टेक्निकल फील्ड में कोई बड़ा चीज करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आप एजुकेशन के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अकेडमिक क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, माली हालत आपकी अच्छी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा और आपकी योजनाएं सफल होते हुए दिख रही हैं। गुस्से पर कंट्रोल करें और कोई भी नया कार्य करते हैं तो सेकेंड थर्ड एडवाइस लेके करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एकेडमिक आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पुस्तक लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है, कुछ अच्छा कर सकते हैं। पारिवारिक दायित्व पूर्ण करने में सफल रहेंगे, माता का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, बच्चों से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, रोग और शत्रु परास्त होंगे, कॉन्स्पिरेटर धीरे धीरे जो षड्यंत्रकारी हैं वो चारों तरफ से प्रयास करेंगे, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उत्तरोत्तर विकास प्रगति की संभावनाएं बन रही है। माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी को आज नौकरी मिल सकती है, आपके पुराने शत्रु मित्र मिलकर क्या मिलेंगे, आपको सबको काफ़ी लाभ मिलेगा, पुराने मित्रों से शत्रुओं से भी आज आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है और माता का सुख मिलेगा। अचानक यात्रा से मन आपको उद्विग्न हो सकता है, जित कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें जो आपको विजयश्री मिलते हुए दिख रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको सावधानी बरतनी है कि खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, आज आप कवच, किलक, अर्गला, सिद्धि कुंज का स्त्रोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। आज आपके लिए शुभ अंक 9 है और शुभ रंग हल्दी कलर है। हरे कृष्ण।